Good morning, children. Hope you all are good. मैं भी ठीक हूँ. आज सबसे पहले मैं बता दूँ कि एक सीरीज मैं वीडियो की जारी करने जा रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ, एक के बाद एक, जो स्वर अलंकार, थाट वाइज स्वर अलंकार की प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे उसकी जानकारी, संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं. उसमें कुछ बातें इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग थाट वाइज अलंकार करने जा रहे हैं. एक वीडियो में मैंने पहले भी बिलावल थाट का जिक्र किया था. अभी जो वीडियो सबसे पहले स्टार्ट किया है हमने, उसमें एक पिक्चर आपने देखा था, फादर ऑफ द रागास. ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में बेसिक थाट पे ही सारा कंसेप्ट है हमारा. रागों का कंसेप्ट जो है वो थाट पे है. और सीखने क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखने के लिए हमें सबसे पहले स्वर अलंकार की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है. तो उस श्रृंखला में ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी. सिर्फ समझना इस बात को है कि हम प्रैक्टिस कैसे करें. तो आज मैं हम शुरू करने जा रहे हैं कैसे करेंगे उसको. अब समझना ये है, पहले ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को. जैसे बिलावल थाट हमने एग्जांपल लिया, बिलावल थाट मतलब सारे शुद्ध स्वर, सारे शुद्ध स्वर है. सारे शुद्ध स्वर की प्रैक्टिस हम करते हैं एक सीरीज में. उसके बाद आएगा कल्याण थाट का जिक्र. कल्याण थाट उसका परिचय ये है कि उसमें मध्यम तीव्र का प्रयोग होता है, बाकी सारे स्वर शुद्ध होते हैं. नेक्स्ट जो है तीसरा वो है खमाज. उसमें निशा मीन्स नी का, कोमल का प्रयोग होता है. कल्याण में मैंने कहा मातुर्य का प्रयोग होता है. उसके बाद आता है जिक्र भैरव थाट. भैरव थाट में ऋषभ और धैवत मतलब रे और धा, ये दोनों कोमल का प्रयोग होता है. उसके बाद सारे शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है. मारवा इसी तरह से सब में, सब थाटों में कुछ ना कुछ अलग है, अलगपन है. सिर्फ बिलावल थाट एक ऐसा थाट है जो सारे शुद्ध स्वरों का प्रयोग किया जाता है. बिलावल में, मारवा में ऋषभ और मध्यम, ऋषभ कोमल और मध्यम तीव्र. मैं एक बार बताता चलूं कि जो मध्यम स्वर होता है, माप जिसको बोलते हैं, वो मध्यम कोमल नहीं होता है, वो सिर्फ तीव्र या शुद्ध कहे जाते हैं. बाकी चार स्वरों का कंसेप्ट आप जानते हैं कि रे गा और धा नी जो है वो कोमल स्वर होते हैं, बाकी स्वर शुद्ध होते हैं. और एक टोटल स्वरों की संख्या जो होती है वो 12 होती है, 7 शुद्ध और 4 कोमल और 1 मातृवृ. दैट इज मातृवृ मार्क्स. माँ कोमल की जगह पे मातृवृ, ये इसी का प्रयोग होता है. अच्छा, जो चार्ट मैंने दिया है इसको बच्चों आप लोग इसको अपने घर पे ड्रॉ कर लो अच्छे से. उसमें जो भी साइन है, जैसे कि कुछ स्वरों के ऊपर में एक स्टिक है, तो जो माँ के ऊपर स्टिक है दैट मीन्स वो मातृवृ है. और जिसमें स्टिक नहीं है वो नॉर्मल है, मतलब शुद्ध स्वरों का जिक्र हो रहा है उसमें, जिसमें कोई भी अंडरलाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो शुद्ध स्वर है. जैसे खमाज में निषाद कोमल का प्रयोग होता है, वो अंडरलाइन है. अंडरलाइन का मतलब कोमल स्वर. भैरव रे और धा, मारवा रे मध्यम तीव्र, काफी गंधार और निषाद कोमल, पूर्वी ऋषभ मध्यम तीव्र, धैवत कोमल. उसके बाद काफी मैं बता रहा था गंधार और निषाद कोमल, पूर्वी में ऋषभ मध्यम तीव्र, धैवत कोमल, भैरवी में चारों सुर कोमल लगते हैं, रे गा धानी. और तोड़ी में रे गा और धा कोमल और मध्यम तीव्र का प्रयोग होता है. असावरी में गंधार कोमल, धैवत और निशा का प्रयोग होता है कोमल का, बाकी स्वर बाकी बचे हुए स्वर शुद्ध के प्रयुक्त होते हैं. तो मैं पहले भी बताया था और फिर बता रहा हूँ कि अंडरलाइन का मतलब कोमल स्वर है और स्टिक का मतलब है स्टैंडिंग लाइन या स्टिक का मतलब है तीव्र है वो, और वो सिर्फ आपको मध्यम तीव्र पे नजर आएगा. जो मैंने चार्ट अभी डाउन किया है आपको दिखाया है चार्ट,
उसमें 7 स्वरों की सीरीज है, तो उसमें सब में एक सा जो है ऊपर में हम लोग लगा लेंगे जो ता सप्तक का सा हो जाएगा। अभी मैं प्रैक्टिस उस बताऊंगा कैसे शेड्यूल करेंगे प्रैक्टिस को, उसके हिसाब से आप सिर्फ वीडियो चलाते रहोगे और साथ में प्रैक्टिस करते रहोगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो हम लोग आज शुरू करते हैं फिर से बिलावल थाट से कैसे करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि ताल जो चलेगा ये ताल 3 ताल है जैसे सुनने में आ रहा होगा, 3 ताल 16 मात्रा, 3 ताल में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये अपने लय पे ये अपना स्थिर रहेगा ताल, हम लोग जो इंप्लीमेंट करना है स्वरों के माध्यम से, जैसे कि हम लोग जो करने जा रहे हैं पहले सिंगल मतलब था बोलते हैं म्यूजिकल लैंग्वेज में, फिर दुगुन डबल और 4 टाइम्स, ये 3 ही करेंगे, इतना में ही बहुत समय लग जाएगा। तो इस 3 करेंगे कैसे वो समझने की बात है, पहले हम गाएंगे साथ में म्यूजिक के साथ में ताल के साथ में, पहले सिंगल, तो सिंगल का मतलब है एक एक एसेंडिंग फिर डिसेंडिंग, सिंगल ही हो गया। उसके बाद ये होगा पहले स्वर में और उसके बाद होगा आकार में, समझने की बात है, ध्यान से समझे बात को, पहले स्वर में उसके बाद आकार में। तो बच्चों की आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए एक जगह मैं छोड़ूंगा, सिंगल है तो सिंगल में एक बार गए एक बार आए, उसके बाद मैंने स्वर लगाया, उसके बाद आकार दिखाया, उसके बाद फिर मैंने 2 सीरीज छोड़ी आप तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, पहले स्वर करेंगे उसके बाद आकार करेंगे, सिंगल पहले सिंगल फिर डबल करेंगे, डबल में फिर वही आवर्तन मतलब 2 साइकिल, डबल का मतलब 2 साइकिल, जाना आना असेंडिंग डिसेंडिंग असेंडिंग डिसेंडिंग, स्वर करेंगे फिर आकार करेंगे डबल में भी और फिर उसका डबल मींस 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स में वही है असेंडिंग डिसेंडिंग असेंडिंग डिसेंडिंग असेंडिंग डिसेंडिंग असेंडिंग डिसेंडिंग, ये तो स्वर में हुआ फिर आकार में हुआ, तो 4 4 8 उसके बाद फिर मैं छोड़ूंगा 4 4 8 ताकि उसके साथ आप स्वर जाए, मेरे से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, जो मैं जगह दूंगा इंस्ट्रूमेंटल में उस जगह पर प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, ठीक है। तो हम सबसे पहले बिलावल थाट से शुरू करते हैं, आ
आपको इंस्ट्रूमेंटल इसका बता रहा हूं। थैंक यू।